फीमेल डॉग है और इनका कहना है ना भाई बार बार मेरे डॉग को इन्फेक्शन हो जा रहा है, बॉडी इन्फेक्शन हो जा रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि इसको बार बार हो रहा है, ठीक है ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपके डॉग को जरा सा भी कट जाएगा ना, हल्का सा भी कट गया तो वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा, वहाँ पे दो दिन काफी है। एक होता है ना कि हम जाता है तो अभी आप खुद ब खुद मेजर को देख सकते हो, भाई मेजर को तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और टिक्स की भी बात करें ना तो अभी देखो मैंने परसों ही दवा लगा के नहलाया था, देखो टिक्स दिखा रहे हैं, मर गया ये देखो भाई, देखो कैमरा ऑन होते ही खड़ा हो गया, कब से खड़ा नहीं था, कब से बैठा हुआ था, रेस्ट था, जैसे ही देखा कैमरा तुरंत खड़ा हो गया। इसको समझ में आएगा कि वीडियो बनने वाली, इसको खोल देते हैं भाई। मौसम देखो, मौसम काफी सही है। अब आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, मौसम काफी सही है भाई। और अभी प्रेजेंट टाइम की टाइमिंग बता दे तो 1 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, और सुबह अभी मैं नहाया हूँ भाई, सुबह से बिजी बिजी, घर में इतने सारे काम चल रहे हैं, इतना पेंट वगैरह सब हो रहा है तो बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो अगर इधर एक आध दिन बीच वीडियो ना आए तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो फटाफट से टॉपिक पे आते हैं, तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ओके। टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, एक सेकेंड, ये गिर गया है, इसको ऊपर कर दे, मेहनत लगता है भाई पौधों को लगाने में, गिर मत रहे, मारकन पट्टा सुझा दें। तो टॉपिक बताते हैं भाई, टॉपिक क्या है, देखो मेजर भी खेलने के मूड में, तो टॉपिक ये है, अरे हेलो भैया, उसका स्किन इन्फेक्शन किस वजह से होता है उसको बताओ जल्दी से, बार बार होता रहता है, खुजली करता है, डॉग जीएसटी फीमेल है, ठीक है, मतलब इनका फीमेल डॉग है और इनका कहना है ना कि भाई बार बार मेरे डॉग को इन्फेक्शन हो जा रहा है, बॉडी इन्फेक्शन हो जा रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि इसको बार बार हो रहा है, ठीक है। तो अभी कल रात को ही राजा भाई से बात हो रही थी, तो उनको भी डॉग को हुआ था भाई इन्फेक्शन, हो गया था, जैसा मेजर को पिछले वीडियो में देखो ना बड़ा सा घाव हुआ था, वैसा ही सेम उनको उनको भी डॉग के साथ हुआ था। तो उसका मैं रीजन बता दे रहा हूँ, क्या रीजन है भाई कि ये हो रहा है बार बार, ठीक है। उसका रीजन केवल एक ही चीज है भाई, गर्मी, ठीक, गर्मी के चलते हो रहा है, गर्मी के अलावा आपके डॉग को कभी कुछ नहीं होगा। मतलब कि राजा भाई से बात हो रहा था, उनके डॉग के ऐसे पैर में ये जांघ के पास हुआ था, बिल्कुल होल हो गया था, एक उंगली बराबर होल हो गई थी भाई, तो मतलब कीड़े वीड़े 100% पड़ गए थे उसमें ना। मन बे ये अभी खेलने के मूड में, अब इसको दोपहर में नहीं रहता है कोई ना, तो दोपहर में इसको खोल दिया है ना, तो खेलने के मूड में, तो उसका स्किन इन्फेक्शन मतलब एक उंगली होल टाइप हो गया था भाई। तो बात करते हैं ये क्यों होता है। राजा भाई ने बोला कि अंकित भाई मैं इसको डेली नहला रहा हूँ, मतलब अच्छे से रख रहे हो, जैसे अदर सब कोई ट्रीट करता है, जैसे मेजर को मैं भी बिल्कुल साफ तरीके से रखता हूँ, तब भी स्किन इन्फेक्शन हो जा रहा है, ये खेलने के मूड में आज अमन भाई। सुन गंदा होता ना नहीं यार। तो उसका रीजन केवल गर्मी है भाई, गर्मी के चलते ऐसा हो रहा है। लेकिन वही अगर गर्मी ना रहे ना तो आपके डॉग को चाह के भी कुछ नहीं होगा। जैसे ठंडी के सीजन में आप अपने डॉग को नहीं नहलाओगे ना, 10 दिन नहीं नहलाओगे, तभी स्किन इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है। स्किन इन्फेक्शन होता है केवल गर्मी में होता है, उसका रीजन है केवल उमस। जैसे अभी धूप हो गया, धूप में अगर गर्मी होती है ना तो आप अपने डॉग को कभी भी खोलोगे या फिर खुला हुआ है बंदा तो वो बस ठंडी जगह खोजता है, ठंडी जगह जहाँ पाएगा ना। जैसे मान लो अभी सूखा रहता ना तो मेजर यहाँ गीले वाले जगह पे आके बैठ जाता, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। अगर मौसम गर्म होता तो वही काम आप लोग खुद देख लेना, आपका डॉग वही करता है कि ठंडी की जगह पे जाके बैठ जाएगा, बाल गीले हो जाएंगे, फिर कहीं सूखे जगह पे बैठ जाएगा तो डस्ट लग गया, धूल लकड़ लग गए तो भाई वहां से इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपके डॉग को जरा सा भी कट जाएगा ना, हल्का सा भी कट गया तो वहां पे स्किन इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा, वहां पे दो दिन काफी है। एक होता है ना कि हम लोग का घाव बढ़ने में बहुत समय लगता है, डॉग्स में जब समय नहीं लगता भाई, जानवर में समय नहीं लगता, घाव बहुत तेजी से बढ़ते हैं बहुत तेजी से, मतलब 2 से 3 दिन में पूरा वहां पे होल हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, छोटे 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 कीड़े उसमें पड़ जाएंगे 2 से 3 दिन में, उतना बहुत है, मतलब उतने दिन में आपका घाव, डॉग के घाव बहुत बड़े हो जाएंगे, जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि राजा भाई को बोल रहा था ना कि उनके डॉग में एक उंगली बराबर होल हुआ था, तो बस वो 2 से 3 दिन का गेम था। तो उसका इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बताने वाला है। तो मतलब मेन रीजन तो मैंने बता दिया, गर्मी है भाई, चाह के भी उसको आप सही नहीं कर सकते, कितना भी अच्छे से रखो। मैं तो मेजर को उस टाइम डेली नहलाता था भाई, कूलर के सामने रखता, तब भी इन्फेक्शन हो जाती थी, बस थोड़ी सी कमी की वजह से, क्योंकि बस उमस, इतना तेज धूप पड़ रहा है ना। एक है कि मैं अपना 6 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को देता हूँ, 6 साल से मैं डॉग रख रहा हूँ, तो ये ठंडी के दिन में, अभी से बिल्कुल कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ ना कि ठंडी के दिन में आपके डॉग को कुछ होगा ही नहीं,
एकदम। लेकिन गर्मी का सीजन में भाई भाई मेरे लिए भी हर एक साल एक नया नया प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, नया नया कुछ सीखने को मिलता रहता है। उसका रीजन ये कि गर्मी हर सालों साल अपना लेवल क्रॉस करते जा रही है। उसका यही रीजन है भाई कि एक होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो हर साल हमको खुद एक अलग चीज सीखने को मिलता है, अगले साल फिर एक अलग चीज सीखने को मिलता है, ये चीज चल रहा है। और ठंडी के दिन मैं बिल्कुल बेफिक्र रहता हूँ। ठंडी में मैंने मेजर को मतलब ऐसे बोलते 10 दिन 15 दिन नहलाए तक नहीं है, तो उसके शरीर से स्मेल तक नहीं आएगा और स्किन इन्फेक्शन का तो कोई चांस नहीं है। और ठंडी की वजह से उसके शरीर पे फंगस वगैरह मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगते हैं, जो ये टिक्स लगते हैं ना खून पीने वाले। देखो अभी हम यहाँ तो बाहर नहीं जा रहे, ठीक, अभी हम बाहर जाएंगे तो बाहर जाएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएगा। कब से आप लोग यही देख रहे ना कि यहीं पे है, उसका रीजन भाई अपने दायरे में फिक्स है। गर्मी के दिन में टिक्स इसके शरीर में लगते हैं, ठंडी के दिन में आप अपने डॉग में टिक्स खोजना, टिक्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा। तो इसके इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है, टिक्स का कोई चांस नहीं है, बॉडी से स्मेल तक नहीं आएगा। और मेन जर्मन शेफर्ड में यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है भाई, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, दिमाग खराब कर रहा है। तू मत छू, तू छू देवे तो कल्याण हो जियो, तू मत छू बोलते है ना। इसका कुछ सॉल्यूशन कर देते हैं भाई तब तक के लिए। तो उसका रीजन वही है भाई, तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, गर्मी में ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, होना ही होना। आप कितने भी अच्छे से डॉग को रखो ना तो टिक्स तो लगेंगे ही, फिक्स है, अब ये नहीं आएगा। गर्मी के दिन में टिक्स लगेगा, इन्फेक्शन होगा, बॉडी से स्मेल आएगा। और वही चीज हम ठंडी में चल जाए तो कुछ भी नहीं होने वाला। तब इसका सॉल्यूशन बता दे, सॉल्यूशन कुछ नहीं है भाई। आप कितना भी अपने डॉग को बचा के रखो, तो एक चीज जो मैं बता देता हूँ, डेली आप अपने डॉग को नहला रहे हो तो उसको मिट्टी से दूर रखना, ठीक है। प्लस आपका डॉग हाफ है नहीं, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपने डॉग को गर्मी दिन में सेफ रखना चाहते हैं तो बस एक सॉल्यूशन है, आपका डॉग हाफना नहीं चाहिए। चाहे अब उसके लिए आप कुछ भी करो, बस आपका डॉग हाफना नहीं चाहिए, बिना गंदी जगह पे बैठे। जिस कहने का मतलब ये नहीं कि मिट्टी खोड़ के बैठ गया यहाँ पे उसको राहत मिल रहा है तो हाफ नहीं रहता, आप वैसे ही छोड़ दिए, वैसे इन्फेक्शन फिर हो जाएगा। मिट्टी में बैठेगा, शरीर में धूल लग जाएगा, फिर आप उसको डेली नहला नहीं पाओगे, डेली टाइम टू टाइम नहला, वही छोटा सा इन्फेक्शन होकर घाव बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने मेजर को वहां पे बांध के रखा था भाई सीढ़ी के पास, और मिट्टी पे बांध के नहीं रखता हूँ, जबकि मेजर रात को इसी मिट्टी पे सोता है। लेकिन फिर सुबह मैं ध्यान देता हूँ, थोड़ा कंघी वगैरह हल्का फुल्का मार देता हूँ, सही हो जाता है। तो अभी आप खुद ब खुद मेजर को देख सकते हो भाई, मेजर को तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और टिक्स की भी बात करें ना, तो अभी देखो मैंने परसों ही दवा लगा के नहलाया था, देखो टिक्स दिखा रहे हैं, मर गया ये देखो, मर गया है। तो मतलब इसके शरीर में सूखे सूखे ऐसे निकल, भाई जिंदा भी होंगे, दवा लगाए थे मैंने ना परसों ही लगा हुआ था इसके में, तो टिक्स जो है जो सूख गए हैं इसी में, वो इसी में खुद ब खुद अटके हुए हैं, नहीं तो खुद ब खुद निकल रहे हैं। और बाल झड़ने का भाई बात करोगे तो ये देखो बाल तो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो गर्मी में आपके डॉग से बचने का कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और रही बात ठंडी में बरसात में, कोई दिक्कत नहीं भाई, बरसात चल रहा है तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, अपने डॉग को भीगने मत देना, क्योंकि मौसम देखो मौसम कैसा है, और इसमें अगर आपका डॉग भीग जाएगा तो जल्दी सूखेगा नहीं बाल, और उसके बाद जहां भी वो गंदी जगह पे बैठा तो तुरंत डस्ट लग जाएंगे, तो तुरंत इसको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आप इसको डॉग को तुरंत नहला भी नहीं सकते, खेल क्या खेल कहाँ जी भाई, क्या होगा तेरे साथ, ठीक है। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और ये बिल्कुल सिंपल है भाई, इससे आप चाह के भी नहीं बच सकते हो, वो फिक्स है कि आपके डॉग को इन्फेक्शन होगा गर्मी के दिन में। धूल धक्कड़ से बचा के रखना, और आपका डॉग हाफ है नहीं, बस ठंडी जगह पर, इसका मतलब हाफना नहीं चाहिए। अगर इतने में आप मैनेज कर लेते हो ना तो आपका डॉग सेफ रहेगा, और नहीं तो जितने भी भाई रख रहे हैं ना कितने भी सही से रख रहे हैं तो भैया इन्फेक्शन हो ही जा रहा है। तो उसके लिए मैं गर्मी में थोड़ा ध्यान देते रहना भाई, हर एक जगह देखते रहना, और एक चीज नोटिस करते रहना कि आपका डॉग किस पार्ट को बार बार चाट रहा है, ठीक है। ये होता है ना कि जांघ पे बार बार चाट रहा है या फिर पीठ पे बार बार चाट रहा है, तो आप लोग ध्यान देना। अक्सर मेरे साथ ये भी गलती हुआ है ना कि मैं ध्यान नहीं दे पाता, जैसे कहने इसके शरीर पे इतना बार रहता है ना भाई, आप चाह के भी नहीं देख पाओगे, एक एक मतलब एक एक चीज जहाँ पे उसको इन्फेक्शन हुआ है वो चीज आप नहीं देख पाओगे। इसके शरीर पे इतने सारे बाल है ना, एक एक चीज नहीं देख पाओगे। जब घाव बड़ा हो जाता है तो आसपास के बाल जब झड़ जाते हैं तब जाके वो इन्फेक्शन दिखता है, अन्यथा ऐसे आपको इन्फेक्शन आप कहाँ कहाँ देखोगे, ऐसे ढील जैसे नहीं ना रोगे, जैसे बच्चों के ढील ले जाते हैं भाई, ऐसे नहीं ना एक एक चीज नोटिस करोगे। तो झाप जब घाव थोड़ा बड़ा हो जाएगा वहां के बाल झड़ जाएंगे तब आप लोग को दिखेगा अरे यार इतना बड़ा घाव हो गया। तो ऐसे नॉर्मल है भाई, ज्यादा टेंशन मत लेना। और इसका दवा भी है, आपके डॉग को इन्फेक्शन हो जा रहा है तो मैं बता दूंगा दवा,
मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी राजा भाई ने ना 5-5 इंजेक्शन लगवाए भाई, 1 हफ्ते में 3 इंजेक्शन, 1 हफ्ते में 2 इंजेक्शन, ठीक है, 5 इंजेक्शन लगवाया, उनके भाई से बात हुआ, 450 का लगाया। हम बोले गजब हद है यार भाई, मेजर को उससे बड़ा घाव हुआ था, उसके 3 गुना 4 गुना बड़ा मेजर को ऐसे जांग पे हुआ था। मैं दिखा देता हूँ, सही हो गया, देखो अभी भी यहाँ पे है, देखो बाल बोले ना वहाँ पे बाल बिल्कुल झड़ गए थे, लेकिन देखो अब बाल थोड़े थोड़े ही आने लगे, ये पूरा यहाँ पे होल हो गया था, ठीक है। तो ये वाला घाव मैंने बस मात्र 100 रुपीज 100 रुपए में सही किया भाई, उतना बड़ा घाव, वो भी केवल एक इंजेक्शन से, ज्यादा इंजेक्शन नहीं। और ये इस इंजेक्शन का मैं नाम बता दूंगा भाई, ये इतना हार्ड है ना, मतलब इतना जबरदस्त है, बहुत डॉग लोग को देखो ना खोपड़ी तक सड़ने लगती है, मतलब अदर पार्ट, ये शोल्डर वगैरह देखो, जो गाँव में ऐसे गली में डॉग घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, उनके देखो कोई कुछ सड़ जाते हैं, कंधा सड़ जाता है या फिर खोपड़ी सड़ने लगती है, उस इंजेक्शन से वो डॉग भी रिकवर हो सकते हैं, इतना वो जबरदस्त रहता है, ठीक है। तो बस एक इंजेक्शन काफी था भाई, तो उस एक इंजेक्शन लगने के बाद मेजर बिल्कुल रिकवर हो गया 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो वो दवा का मैं नाम बता दूंगा डॉक्टर से बात करके, मतलब पूछ के वो दवा का नाम, क्योंकि हमको 100% ट्रस्ट है भाई, दोस्त के पापा हैं, बस एक बार मैं कॉल करता हूँ, अंकल जी आ जाइए, मेजर को ये हुआ है, वो आते हैं ट्रीट करते हैं चल देते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा वो दवा का नाम पूछ के बता दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।